हेलो फ्रेंड्स, आप आईएएस स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन सीरीज में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए जानकारियों पर डिस्कशन करेंगे। इसे आप हमारे जीएस पेपर वन के कला संस्कृति वाले भाग से जोड़कर देख सकते हैं। हमारे स्रोत में मुख्य रूप से NCERT और नितिन सिंघानिया है। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न कुतुब मीनार के बारे में है। प्रश्न क्या कहता है, कुतुब मीनार किसके याद में बनाया गया है? दिए गए ऑप्शन में इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन बख्तियार और उपरोक्त में से कोई नहीं लिखा है। फ्रेंड्स, अब जानते हैं, काफ़ी आसान प्रश्न है। कुतुबुद्दीन बख्तियार की याद में कुतुब मीनार को बनाया गया था, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। इसे आप याद रखेंगे। हालांकि इसे बनाने वाले जो शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनके द्वारा इसे बनाने की शुरुआत की जाती है जब ये एक सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार से प्रभावित होते हैं। उसके बाद कुछ बहुत बनाकर छोड़ दिया जाता है। आगे चलकर इल्तुतमिश के द्वारा इसे पूरा कराया जाता है। इससे संबंधित एक अन्य प्रश्न जो आपसे पूछा जा सकता है वो ये कि सूफीवाद से प्रभावित होकर इस मीनार को बनाया गया था, तो यहां पर आप इस सूफीवाद को याद रखेंगे। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यूनेस्को अमूर्त विरासत सूची में वर्णित थेरस और इसके शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन दिए गए हैं आपको। थेरस और उससे संबंधित शिल्प के बारे में सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है, यह पीतल और तांबे के बर्तनों के निर्माण और पारंपरिक तकनीक है। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें थेरस और उससे जुड़े हुए शिल्प के बारे में तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पीतल और तांबे के बर्तन से ही बनाया जाता है। सबसे पहले पीतल और तांबे को एक प्लेट के रूप में निर्मित की जाती है, उसके बाद इसे अलग अलग बर्तन के आकार में रूप दिया जाता है। इसलिए पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है, इसकी उत्पत्ति पश्चिम बंगाल में हुई थी। ये गलत है, क्योंकि वर्तमान का जो पंजाब वाला इलाका है वहाँ जो ठठेरा समुदाय रहता है उसके द्वारा इसे, यानी कि थेरस और इससे जुड़े हुए शिल्प का निर्माण किया जाता है। इसलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, शिल्प और निर्माण की प्रक्रिया एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक मौखिक रूप से प्रसारित होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। थेरस से संबंधित जो कलाकृति है, जो ज्ञान है, जो उसको सुंदर आकृति देने का प्रथा है, उस तकनीक को कहीं भी लिखा नहीं गया है। इसे पारंपरिक रूप से बाप के द्वारा बनाया जाता है, बेटा उसे देखकर सीखता है और बेटा ही उस बाप ही उस बेटे को कुछ ज्ञान देता है, और इसी तरह से ये परंपरा चली आ रही है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक। इस प्रकार के बर्तन बनाने की जो प्रवृत्ति है, जो परंपरा है, वो प्रसारित हो रहा है। इस प्रश्न के उत्तर के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़े हुए कुछ अन्य बातों पर यदि हम ध्यान दें तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ औषधीय गुण देखे जाते हैं। जैसे कि जिन लोगों को एसिडिटी होता है उन लोगों को सलाह दी जाती है कि या तो आप पीतल या फिर कांसे के बर्तन में रात भर पानी रखकर सुबह में उसे खाली पेट में पिए, आपके जो एसिडिटी का प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगा। तो वो इसी से जुड़ा हुआ है। इसीलिए बहुत बार ऐसा कहा भी जाता है कि ये आयुर्वेदिक ग्रंथों में जो औषधीय गुणों से संबंधित बहुत सारी बातें लिखी गई हैं उसके साथ जुड़ा हुआ है। 19वीं शताब्दी के एक महाराज थे, महाराजा रंजीत सिंह, उनके द्वारा भी इस परंपरा को संरक्षण और प्रोत्साहन दिया गया था। आज हम सिख समुदाय के अंतर्गत जो लंगर परंपरा को जानते हैं, उस परंपरा के अंतर्गत भी ज्यादातर बर्तन जो होते हैं वो थेरस परंपरा से निर्मित किए गए ही होते हैं। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इंडो साइरेसेनिक वास्तुकला के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर तीन कथन दिए गए हैं इंडो साइरेसेनिक वास्तुकला के बारे में। आपको सही कथन की पहचान करनी है। इंडो साइरेसेनिक वास्तुकला कहने का मतलब है कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने लगता है, जब ब्रिटिश क्षेत्र मतलब यूरोप के लोग जब भारत में आते हैं, उस समय के बाद जो वास्तुकला का
विकास भारत में होता है उसे इंडो साइरेसेनिक वास्तुकला कहा जाता है। पहला कथन क्या कहता है, यह एक संक्रमणकालीन स्थापत्य शैली है। यह बिल्कुल सही है क्योंकि जिस समय अंग्रेज भारत में आए उस समय भारत में इस्लामिक संस्कृति का जोर शोर से प्रभुत्व था। तो जो इस्लामी संस्कृति थी और जो ब्रिटेन में संस्कृति थी, उन दोनों संस्कृतियों का, उन दोनों परंपराओं का, उन दोनों वास्तुकला से संबंधित चीजों का समावेश होता है और जो निर्माण भारत में किए जाते हैं उन दोनों को मिलाकर किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक संक्रमणकालीन स्थापत्य शैली थी। पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कहता है, भारत में अपने गुंबदों और छत्रियों के साथ मध्यकालीन इमारतों ने इसे प्रेरित किया। ये बिल्कुल सही है क्योंकि फ्रेंड्स यदि आप इससे संबंधित कुछ वास्तुकला को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ गुंबदों का निर्माण किया गया है, कुछ छतरियों का निर्माण किया गया है जो इंडो सैरेसेनिक वास्तुकला से संबंधित है। इसके उदाहरण के रूप में गेटवे ऑफ इंडिया को आप देख सकते हैं जो कि मुंबई में है। तीसरा प्रश्न भी बिल्कुल सही है जिसमें बताया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया को इस शैली में बनाया गया था। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। आप इस चित्र के माध्यम से देखें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जब जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी 1911 में भारत आते हैं तो उन्हीं के स्वागत में जो गेटवे ऑफ इंडिया है जो कि मुंबई में है उसका निर्माण करवाया गया था। इसमें मुख्य रूप से इस प्रणाली के अंतर्गत गुंबद, छत्रियां, जालियों से भरे हुए बहुत सारे ऐसी आकृतियां, मेहराब इत्यादि का निर्माण कराया जाता था। तो ये 20वीं शताब्दी के आसपास शुरू हुई थी, संक्रमणकालीन दौर था। उसके बाद से लेकर जो यूरोपीय काल जब तक 300 सालों तक भारत में रहा तब तक इससे संबंधित निर्माण कार्य किए जाते रहे। तो आप याद रखेंगे इंडो सैरेसेनिक वास्तुकला क्या है। हमारे डिस्कशन का चौथा प्रश्न क्या कहता है, बौद्ध धर्म के पारंपरिक चरण के दौरान बुद्ध को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। किस रूप में दर्शाया गया है, चार रूपों के नाम लिखे गए हैं। पहला क्या कहता है, पैरों के निशान, स्तूप, कमल सिंहासन और चक्र। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत जब दो संप्रदायों का विभाजन होता है, हीनयान और महायान, हीनयान जो थे वो भगवान बुद्ध को, जो महापुरुष थे उनको एक भगवान के रूप में स्थापित करती है। इनसे जुड़े हुए जो भी चीजें थी उनको अलग अलग चिन्हों से डिनोट करके उनको पूजा किया जाता था। जैसे जहां जहां वो घूमे, जहां जहां वो गए, जहां पर उनके निशान थे उनके पैरों के निशान को पूजा जाता था। जब उनकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो उनसे जुड़े हुए अवशेष थे उनको स्तूपों के रूप में संरक्षित किया गया, पूजा किया जाता है, आज भी किया जाता है। जो कमल सिंहासन है उन पर ऐसा प्रदर्शित किया गया कि ये वहां पर बैठ कर प्रवचन दे रहे हैं तो उस रूप में उसको माना गया। चक्र इसका मतलब ये था कि बौद्ध धर्म जो है वो चारों तरफ फैल रहा है, विकसित हो रहा है, बढ़ रहा है, इस रूप में इसे प्रदर्शित किया गया। यानी कि आप इन चारों चीजों को याद रखेंगे, बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रतीकात्मक चीज थी वो महायान से जुड़े हुए थी और ये चारों अलग अलग जो चिन्ह है वो इससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, आप इसे ध्यान रखें। हमारे डिस्कशन का पांचवा और अंतिम प्रश्न क्या कहता है, वर्ली पेंटिंग या फिर चित्रकला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीन कथन फिर से दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन क्या कहता है, यह स्वदेशी लोगों द्वारा अभ्यास किया जाता रहा है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है। यदि हम बात करें पहले कथन का फ्रेंड्स तो पहले कथन का पहला भाग जो है वो बिल्कुल सही है, यह स्वदेशी रूप से भारत के हिस्से में की जाती है। लेकिन इसका दूसरा भाग है जिसमें लिखा गया है कि यह तमिलनाडु और केरल की सीमा पर जो लोग रहते हैं उनके द्वारा की जाती है, यह गलत है। क्योंकि वर्ली पेंटिंग जो है ना वो भारत में जो महाराष्ट्र और गुजरात का सीमावर्ती क्षेत्र है उस क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय समूह के द्वारा ये किया जाता है। पहला कथन इसलिए गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ क्षेत्र बताया गया है वो गलत है। दूसरा कथन क्या कहता है, त्रिकोण, वृत्त, वर्ग जैसी ज्यामितीय आकृतियां मानव आकृतियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग की जाती हैं। यह बिल्कुल सही है क्योंकि मुख्य रूप से वर्ली पेंटिंग के अंतर्गत जिस प्रकार की चित्रकारी की जाती है इसमें या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल या फिर ट्रायंगल या फिर
दूसरे जो ज्यामितीय आकृति होती है उनको मिला करके एक अच्छा खासा पेंटिंग बनाया जाता है और उसे ही हम वर्ली पेंटिंग कहते हैं। आपको यदि याद हो तो जो भीमबेटका है, जिसे हम जानते हैं सबसे पुराना है, वहां पर जिस प्रकार की आकृति का निर्माण किया गया है गुफा के अंदर, उसी प्रकार का मेल जोल से संबंधित जो आकृतियां होती हैं वो वर्ली पेंटिंग से जुड़ी हुई हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तीसरा क्या कहता है, पेंटिंग के लिए सफेद वर्णक का उपयोग किया जाता है जो गोंद और चावल के पाउडर का मिश्रण है। देखिए, जो इसका पेंटिंग किया जाता है उसको आधार के रूप में सबसे पहले तो दीवाल होगा या फिर जमीन का सतह होगा। अब क्या किया जाएगा कि इस जमीन के सतह को गोबर और कुछ लाल रंग की मिट्टियों को मिला करके और कुछ जो शाखाएं होती हैं, पेड़ की पत्तियां होती हैं, बहुत सारे ऐसे तने होते हैं, उनको मिला करके पेस्ट बनाया जाएगा और उस पेस्ट को जमीन पर या फिर दीवाल पर उसको लगा दिया जाएगा। तो वो एक सतह बन गया। उसके बाद एक पेस्ट अलग से बनाया जाएगा जिसमें गोंद और चावल का जो आटा होता है उसको मिलाकर बनाया जाएगा। अब गोंद होगा वो तो चिपचिपा होगा और जो चावल का आटा होगा वो वाइट होगा। अब इन दोनों को मिला करके क्या किया जाता है, पेंटिंग किया जाता है। तो इसीलिए यहां पे लिखा गया है कि इसमें सफेद वर्णक का उपयोग किया जाता है और गोंद और चावल के मिश्रण से इस पेस्ट को बनाया जाता है। तीसरा कथन बिल्कुल सही है। इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। आप इसे ध्यान रखेंगे। इस पेंटिंग को आप देख सकते हैं, ये देखने में कुछ इस प्रकार की होती है। यहां पर बहुत सारी ऐसी आकृतियां दी गई हैं। ज्यादातर आप देखेंगे या तो वो सीधे सीधे लाइन है या फिर ट्रायंगुलर है या तो स्क्वायर है, इसी प्रकार से इसे निर्मित किया जाता है। इसकी यदि इतिहास की बात की जाए तो लगभग 2500 से लेकर 3000 ईसा पूर्व के बीच में इसे बनाया गया। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वर्लिस, और इसी समुदाय के द्वारा ही इसे बनाया जाता है। इस प्रकार की जो चित्रकारी होती है उसमें मुख्य रूप से मछली पकड़ने संबंधी गतिविधि, शिकार करने से संबंधित गतिविधि, खेती, नृत्य, जानवर, पेड़ पौधे इत्यादि से संबंधित आकृतियों को बनाया जाता है। इस कला के अंतर्गत एक चीज जुड़ी हुई है, वो पाल घाट है। पाल घाट कहने का मतलब होता है प्रजनन की देवी, उसको आकर्षित करने के लिए यह किया जाता है। मतलब ये जो चित्रकारी की जाती है वो पाल घाट को अपने घर पर बुलाने के लिए, स्वागत करने के लिए इस चित्रकारी को की जाती है। बहुत सारे ऐसे नर देवता होते हैं और जो व्यक्ति मर जाता है तो उनके आत्माओं से संबंधित जो कर्म क्रिया किया जाता है उससे जुड़ने के लिए भी इस प्रकार की कलाकृति की जाती है। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। इसका संबंध भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, यह भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आज का डिस्कशन था। हम अपने आज का डिस्कशन यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।